Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. अगर फ्रेंड्स आपके पास है सैमसंग का गैलेक्सी M23 5G स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन के अंदर अगर आपको रिंगटोन सेटिंग करना है या फिर आपने कोई रिंगटोन डाउनलोड की है, आप उसको लगाना चाहते हो, फाइल से कोई गाना वगैरह सेट करना है, तो उसको आप कैसे सेट कर सकते हो इस वीडियो में आप जानोगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी जो फोन की सेटिंग है, सबसे पहले आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एक फीचर आपको डिसेबल देखने को मिलेगा, ये आपको ऑन कर देना है। अब आपके फोन में कोई भी रिंगटोन होता है, आपका फोन रिंग होता है, तो आपके रिंग होने के साथ साथ फोन वाइब्रेट भी होगा। अब आपको रिंगटोन चेंज करना है इस फोन की, तो इसके लिए आपको रिंगटोन पर क्लिक करना होगा। जितने भी फोन की रिंगटोन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें से कोई सेट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो। अगर फाइल से सेट करना है तो इसके लिए आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ये फोन एक परमिशन मांगे आपसे, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद जितने भी गाने होंगे आपके इस फोन के अंदर वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, फोल्डर देखने को मिलेगा साइड में, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप उस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे आपने रिंगटोन को सेट करके रखा, मतलब सेव करके रखा हुआ है। तो उस फोल्डर में जाइए, जैसे कि डाउनलोड किया तो डाउनलोड में आ जाएगा। अब ये सभी गाने हैं। अब जैसे आप इस गाने पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे डायरेक्टली आपको ये फोन ना रिंगटोन के लिए डायरेक्ट सेट करता है इस गाने को। तो बीच में से ही गाना सेट करेगा आपका, ऑटोमेटिकली रिंगटोन के लिए बना देता है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट रिंगटोन को सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो आपका फोन का जो भी गाना है गाना शुरू से ही लगना चाहिए, तो इस वाले जो फीचर आपको इनेबल देखने को मिल रहा है ये आपको ऑफ कर देना है। अब देखो ये आपका गाना शुरू से ही प्ले होकर देखने को मिल रहा होगा, तो मतलब शुरू से ही आपकी रिंगटोन ही बन जाती है। तो या डन कर दीजिए तो ये लिस्ट में आपका गाना आ जाएगा। यहाँ से आप इस तरह से क्लिक करके उसको लगा सकते हो। इस तरह से फाइल्स को आपको सेट करना होता है। अगर नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करना है तो नोटिफिकेशन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन साउंड को सेम इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ साउंड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से यहाँ पे सिस्टम साउंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जो वाइब्रेट का पैटर्न है उसको चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन मिल जाएगा इस फोन के अंदर। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे वाइब्रेट का उसको सेलेक्ट कीजिए और अपने हिसाब से उसको रख लीजिए। इसके बाद अगर आपको अदर साउंड की सेटिंग करना है तो यहाँ पे सिस्टम साउंड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है, जिसमें आप यहाँ स्क्रीन ऑफ की आवाज़ बंद कर सकते हो, चार्जिंग साउंड की बंद कर सकते हो, ये सब ऑन ऑफ का जो ऑप्शन है वो सभी आपको देखने को मिलेंगे। अपने हिसाब से इनको कर सकते हो सेट। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।